न्यायमूर्ति यूयू ललित बने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने शनिवार को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति भवन में मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले में हुई बढ़ोतरी। देश में अभी कोरोना संक्रमण का प्रसार आरोही अवरोही क्रम में जारी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की ओर सतर्कता संबंधी जानकारियां प्रसारित की जाती है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के फिर से 9,520 नए मामले सामने आए हैं। कोविड टीकाकरण में 211.39 करोड़ से अधिक टीके लगे। देश भर में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 211.39 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। BSF ने घुसपैठ को नाकाम किया, पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है और जम्मू क्षेत्र के रणवीर सिंह पूरा सेक्टर ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। डायमंड लीग में पहले स्थान पर रहे नीरज। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने चोट के बाद शानदार वापसी करते हुए लुसाने डायमंड लीग में शुक्रवार को 89.08 मीटर में सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया।